प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकीय दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद मस्क ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके टेस्ला भारत में अपना कारोबार शुरू करेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कब होने वाला है। टेस्ला भारत में सब्सिडी और छूट के पात्र है, हालांकि ये केवल तभी संभव होगा जब कारों को भारत में ही बनाया जाए। एलन मस्क का कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं और उन्हें कुछ समय से जानते भी हैं। I am a fan of Modi, so. इसके साथ ही मस्क ने 2015 में कैलिफोर्निया स्थित टेस्ला कारखाने में प्रधानमंत्री की यात्रा को याद किया। मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किया। पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आता है, सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह ये भी जीवंत और गतिशील है। यूएन के हेडक्वार्टर में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दुनिया में पहली बार एक साथ 135 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा, योग का मतलब है यूनाइटेड करना, यानी साथ लाना। मुझे याद है मैंने यहाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए पूरी दुनिया भारत के साथ आई। पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।